भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई राज्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लैंडिंग से पहले जानते हैं कि अब तक भारत के इस मिशन मून को लेकर क्या क्या हुआ। भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने तीसरे मिशन की तैयारी शुरू की। पिछली बार चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उन्हें बारीकी से देखा गया और चंद्रयान 3 में इस तरह के बदलाव किए गए, सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो जाए। पहले ही बता दिया गया है कि 2023 में अगला मून मिशन लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ का है। 6 जुलाई 2023 को इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्रयान 3 के सही लॉन्चिंग हो जाए और इसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ भी की जा रही है। लगातार हमने अपने दर्शकों को खबरें दिखाई भी हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सफल लैंडिंग के बाद भारत को एक बड़ी सफलता हासिल होगी। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।